नमस्कार एंड वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लास 10 के बच्चों के लिए आज बहुत बड़ी अच्छी बात यह है कि आज उनके लिए मैं न्यूमेरिकल्स के कुछ पोर्शन को लेकर आया हूँ। यानी कि आपका जो चैप्टर चल रहा था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, तो उसी के आज न्यूमेरिकल पोर्शन की हम कुछ बात करते हैं। जैसे कि आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होता होगा जब आप मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वहां पर मैं कुछ टेक्निक लेकर आया हूँ। यहाँ पे लिखा क्या है, न्यूमेरिकल ट्रिक, यानी कि जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम कैसे इजिली सॉल्व करेंगे, चाहे वो मायोपिया का हो चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया का हो। तो प्लीज क्या करिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। जितने भी न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के वो इजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। सो प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड, और एक चीज ध्यान देना, इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, जब इसको देखा करो देखने के बाद शेयर कर दिया करो, इससे क्या होती है बहुत खुशी मिलती है। और सपोर्ट भी करिए, सब्सक्राइबर गेन करवाइए, भाई आप ही सब लोग की दुआ है। तो अगर मैं ऐसा सेमिनार करके बना रहा हूँ, एक अपना कॉन्सेप्ट देता हूँ ध्यान से बना के, अपनी कहानी बनाई हुई बात, जो कहानी मैं खुद बनाता हूँ, जो मुझे समझ में आता है मैं वही बात आपको बताता हूँ। लीगल चीज है, ठीक है, दुनिया भर की बातें नहीं, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया जिसके बारे में मैंने बताया था, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, वो सब बारे में आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे बच्चों। सबसे पहले आज अच्छी बात यह है कि आज आपको न्यूमेरिकल सिखाना, न्यूमेरिकल मुझे सिखाना है, आपको न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो भी ट्रिक से। सो लेट स्टार्ट अ क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि प्लीज क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा, ओके। सो लेट सी द क्लास स्टूडेंट। प्रॉब्लम हमें ये होता है कि कभी कभी कुछ होता है, कभी यू कल टू कुछ रखा जाता है, कभी यू कल टू कुछ रखा जाता है। तो मैं दो टाइप्स की बात करूंगा। देखो जो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है स्टूडेंट, डिफेक्ट ऑफ विजन मैं दो की बात कर रहा हूं, ओके। डिफेक्ट विजन दो की बात, एक मायोपिया, एक क्या होगा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। स्टूडेंट मायोपिया और नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें देखिए, जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा मायोपिया का, तो वहां पे आंख बंद करके क्या करना है आपको, यू कल टू इन्फिनाइट पुट कर देना है। व्हाट आई एम सेइंग, जब आपको मायोपिया का क्वेश्चन मिलेगा और इनमें आदर डिस्टेंस ना दिया गया हो, अगर आपको आदर डिस्टेंस नहीं दिया गया तो यू कल टू क्या रख देना, इन्फिनाइट। और ये क्या है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या रखा जाएगा, यू कल टू -25 सेंटीमीटर। नेगेटिव होता है भैया, हाँ नेगेटिव होता है, इमेज का जो डिस्ट्रॉय जो आउट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। थर्ड पॉइंट क्या समझाया हमने, कहा कि अगर आप किसी भी न्यूमेरिकल में देख रहे हैं मायोपिया और आउट का डिस्टेंस नहीं दिया गया, क्या कर दो वहां पर, यू कल टू इन्फिनाइट रख दो। बट अगर उसे हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो यू कल टू क्या रख दोगे, -25। अब बात आता है वी की, किसकी बात आती है स्टूडेंट, वी का। देखिए वी होगा क्या कि अप टू विच द ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि कहां तक आपका ह्यूमन आई इमेज को सीन कर पा रहा है क्लियरली। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, इमेज सीन क्लियरली, इमेज सीन क्लियरली, वो कहां तक इमेज को स्पष्ट देख पा रहा है वो आपका होता है वी। वैसे यहां पे भी होता है इमेज क्लियरली, बस इतना ध्यान देना स्टूडेंट, जो इमेज डिस्टेंस होता है ना, जो इमेज डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज नेगेटिव करिएगा। इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। थारे को बात समझ में आ रहा है, मायोपिया में क्या होता है, यू कल टू इन्फिनाइट होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, यू कल टू 25 सेंटीमीटर। कितना इजी है यार, सोचो पहले, अभी देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन है सब आसानी से आ जाएंगे। वी कल टू इमेज डिस्टेंस मतलब जहां तक वो देख सकता है, या फिर जिसके आगे नहीं देख पाएगा आपका ह्यूमन आई, वही क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। और ऑलवेज को क्या करोगे, नेगेटिव लोगे। और इसमें क्या है कि अगर किसी को मायोपिया हो गया है तो उसका जो करेक्शन होता है वो कॉनकेव लेंस से होगा। तो जब कॉनकेव लेंस होगा इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पावर ऑफ लेंस क्या होगा, नेगेटिव। और हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी को हुआ है तो कैसा होगा,
करेक्ट, कन्वेक्स लेंस है, और उसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको आप क्या करना है, समझना है। अगर आपको इतना बात पता चल गया कि मायोपिया में यूकल टू इनफाइनाइट, हाइपरमेट्रोपिया में माइनस 25 दे देना, वी कहां तक देख सकता है, किसके आगे नहीं देख पाया, वो क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा, नेगेटिव मैंने कर दिया यहाँ पे, नेगेटिव मायोपिया हुआ है तो कॉनकेव लेंस, पावर क्या आएगा हमेशा नेगेटिव, पावर या नेगेटिव मिलकर पक्का जान लो कॉनकेव लेंस, मायोपिया हुआ है, और अगर पावर पॉजिटिव इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है इतनी बात समझ में आया होगा। तो अगर इतनी बात समझ में आ गया तो अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को। तो स्टूडेंट मैं बोलूंगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसका उसका सोल्यूशन आपके यहाँ पे होगा। ओके, शुरू में करते हैं इसको, आप लोग क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन को हम देखते हैं। शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मेरे पास बुक है और बुक में क्वेश्चन देखते हैं, रीड आउट करते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन जिसको आप लोग को ध्यान से देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज ड्यू टू व्हाट। तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि जो आई लेंस होता है, जो ये फोकल को एडजस्ट करता है, आई लेंस होता है जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, उसी पावर को हम बोलते हैं, या फिर इस प्रकार के एडजस्टमेंट को बोलते हैं अकोमोडेशन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अकोमोडेशन। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है अकोमोडेशन, वही क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुआ, तो फोकल लेंस को, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, ठीक है। सेकंड, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, भाई पता तो है ना कि जो इमेज बनता है वो कहां पे बनता है, रेटिना पे बनता है, किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। क्लियर हुई बात, यस। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, आपको मैंने बताया है लेक्चर में कि जो लीस्ट डिस्टेंस होता है डिस्ट्रिक्ट विजन का, वो कैपिटल डी होता है उसका सिंबल, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ, यानी कि जो हमारा आई लेंस होता है उसके फोकल लेंथ में जो चेंजमेंट आता है वो कैसे आता है, आयरिस से आता है, किसी भी मसल से आता है, कि रेटिना से आता है, कि प्यूपिल से आता है। तो इसलिए आपको पता है कि जो आई लेंस होता है वो सिलरी मसल से क्या होता है, जकड़ा हुआ होता है ना, तो इसका आंसर है सिलरी मसल। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, सिलरी मसल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन, अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर कटिंग हिज डिस्टेंट विजन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसको मायोपिया हुआ रहा होगा, मायोपिया हुआ जिसके वजह से क्या कर रहा है, दूर को नहीं देख पा रहा है। फॉर कटिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग फर्स्ट डिस्टेंट विजन एंड सेकेंड व्हाट नियर विजन, ठीक है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट डिस्टेंट विजन, फॉर इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फॉर तो क्या कर रहा है वो, डिस्टेंट विजन को ठीक करने के लिए जिस लेंस का यूज कर रहा है उसका पावर कितना है, -5.5 डॉक्टर। अच्छा तो पता चल गया, अगर पावर नेगेटिव आ गया इसका मतलब उसको कौन सा साइड इफेक्ट हुआ होगा ये बताओ, तो उसको बता सकते सर इसको मायोपिया हुआ है, क्योंकि इसका पावर क्या आ गया लेंस का नेगेटिव, और कौन सा लेंस यूज होगा। अब आपसे कह रहे लेंस का फोकल लेंथ बताओ, क्या बताना लेंस का फोकल लेंथ, तो आपको पता है पी इक्वल टू होता है स्टूडेंट 100/f, तो f यहां से आगे कर दो, f इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/
पे। सो f इक्वल टू माइनस 100 अपॉन 5.5। डेसिमल यहाँ पे मैंने कर दिया, 5 1 5 और 5 2 10, तो इतना आ गया। तो कितना आया, माइनस 200 अपॉन 11 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, समझ में आई बात ना। कह रहा कि डिस्टेंट विजन के लिए, यानी कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता है, जिस लेंस का यूज करता है उसका पावर इतना, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो फोकल लेंथ ये आ गया। क्लियर। अब इसके बाद सेकंड, सेकंड में बोल रहा है फॉर कटिंग हिज नियर विजन। किसके लिए, नियर विजन के लिए, फॉर नियर विजन, जो उसका नजदीक है उसको नहीं देख पा रहा है। क्या हो गया, फॉर नियर विजन, यानी कि अब की बार नजदीक का नहीं दिख रहा है तो दूर का दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ रहा होगा, हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। और यहां पे देखिए पावर पॉजिटिव भी दिया है, पी कल टू कितना, प्लस 1.5। इसका मतलब उसे क्या हुआ रहा होगा, हाइपर मेट्रोपिया। सो पी कल टू क्या कर दें, यहां पे 100 अपॉन एफ कर दें, तो स्टूडेंट यहां से एफ कल टू क्या आएगा, 100 अपॉन पी, और पी कितना की बहन है, 1.5। यहां पे हो गया 5 3 15, 5 2 10, 200। तो यानी कि यहां से जो f इक्वल टू आया वो कितना आया, 200 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। डिस्टेंट के लिए पावर यूज करता है तो फोकल लेंथ आ गया, नियर के लिए क्या करता है, ये पावर यूज करता है, फोकल लेंथ आ गया, p इक्वल टू 100 अपॉन f होता है। ठीक है ना। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑल्सो सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी आगे हैं, ठीक है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले क्या करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 उसको भी ध्यान देते हैं। ध्यान देखो क्या कह रहा है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। क्लियर, मतलब यहां तक वो देख सकता है, कहां तक, 80 सेंटीमीटर तक। तो मैंने कहा था जहां तक वो देख सकता है वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो क्लियर हो गया कि ये v क्या गिवन है, इमेज डिस्टेंस। अभी मैंने बताया आपको ना, अब देखो मायोपिक है वो, क्या है, मायोपिक है, तो अगर वो मायोपिक है तो 100% u इक्वल टू क्या लिया जाएगा, इनफाइनाइट। आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मायोपिक होता है तो u इक्वल टू क्या लेंगे, इनफाइनाइट सेलेक्ट कर लो, और जहां तक देख सकता जो उसका फार पॉइंट होता है वो होता है इमेज का डिस्टेंस। ठीक है ना, समझ में जा रहा है ना, जा रहा होगा। करा व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। भाई मायोपिया हुआ है तो 100% आपको पता ही है कॉनकेव लेंस यूज होगा, बट ऐसा नहीं है आपको बताना है, आपको बताना है भाई पावर दिखा करके। तो पावर पहले निकालना पड़ेगा, तो मैं चल रहा हूं लेकर आपको, देखे देखना है सिर्फ, तो आपको समझिए पावर निकालना है। तो आपको फ्रॉम, आपको फॉर्मूला पता ही है ना, फ्रॉम फॉर्मूला प्यारा वाला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, सो 1/f नेगेटिव हो ही जाएगा, 80 हो गया, इनफाइनाइट कह रहे भाई यहां पे 1/infinite। क्लियर, इनका काम खत्म, इनका काम क्या पता होगा, खत्म हो गया ना। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/80, जीरो हो गया। तो f इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 80 सेंटीमीटर। अब पावर निकालना है, पावर तो फिर पावर p इक्वल टू क्या होता है, 100/f। तो 2 5 10, तो 4 8। ठीक है, सो समझ में आ रहा होगा। सो पी कर क्या हो गया, माइनस 5/4 डायरेक्टर डिवाइड कर दे 1.25। तो बच्चा जिस लेंस का यूज किया जाएगा ना उसका पावर क्या आया है, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आया है तो लेंस कैसा यूज होगा, बोलो, कॉनकेव लेंस। किसका लेंस, कॉनकेव वाला लेंस, ठीक है ना। और अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है भाई तो आप अपने आपको ठीक कर पाएंगे, अगर आपके पास कॉनकेव लेंस नहीं है तो कन्वेक्स मत लगाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 था, इसको नोट करिए, और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
सेवन को, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है वो, ओके सुनो डाउन इट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, और ऐसे क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं एग्जाम में आपके आने के लिए, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा मेक अ डायग्राम, देखो पहले ही डायग्राम बोल दिया, तो कोई बात नहीं टेंशन मत लेना, डायग्राम मैं आपको लास्ट में बना के दिखाऊंगा। कह रहा मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। अच्छा आपको नहीं पता है हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्टेड होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से पीछे चला जाता था, ठीक है, तो इसका पहले हम डायग्राम ही बना देते हैं, डायग्राम ही बना देते हैं, देखो कैसे करेक्ट हो रहा था, ये हो गया, ये हो गया, और भैया इसका नियर पॉइंट कुछ यहां पे आ गया था, और इसी का इमेज पीछे बनाना था, तो मैंने कहा था कि ऐसे लेंस लगा लेना प्यारा सा, ठीक है, ये यही था यन, और इसका नियर पॉइंट कहां आ गया था, खिसक के पीछे एंड बेस पे, ठीक है, और यहां पे क्या है, ये रेटिना है, ये पूरा क्या है, रेटिना, ओके, ये क्या है रेटिना, ये हमारे आंख वाला लेंस है जिससे मैं करेक्ट करता हूं, वो है इसका नियर पॉइंट यहां पे था, यहां से भाग करके यहां पे चला गया, तो अब इसको देखना है क्या लगा करके, चश्मा ऐसा लगा जिसमें क्या करेंगे हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, तो अब देखो रेज ऑफ लाइट ऐसे जाती है ऐसे, अभी क्या होगा थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, अब इसको जो पीछे मिलाओगे भाई देखो तो लगेगा कि रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही है, यहां से नहीं आ रही है, ऐसा लगेगा रेज ऑफ लाइट अब यहां से एंड से आ रहा है, सॉरी अब सही होना, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि रेज ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, से आ रहा, अब ये फिर देखो डाइवर्स कर देगा, कन्वर्स करेगा भाई मेरे, ये मिला दिया, तो अब इमेज देखो बन गया, और हाइपरमेट्रोपिया इज व्हाट करेक्टेड, हाइपरमेट्रोपिया इज व्हाट करेक्टेड, यहां पे लिखेंगे हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड, जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया वो क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल का पार्ट देखते हैं, कर रहा था नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिया इज आइज व्हाट 1 मीटर, नियर पॉइंट मतलब यहां तक देख सकता है, कहां तक 1 मीटर तक, ठीक है, कहां देख सकता है 1 मीटर तक, ये देखो गिवन हो गया इक्वल टू व्हाट 1 मीटर मीन्स -100 सेंटीमीटर, और भाई हाइपरमेट्रोपिया इसका मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, लिख दिया पर बिना क्वेश्चन पढ़े, कह रहा कि वर्ट द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, पावर ऑफ लेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस ये निकालना है, तो सबसे पहले लगा दो फॉर्मूला 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, F नहीं पता है कोई बात नहीं, 1/V, V कितना है 100, माइनस प्लस 1/25, सो अब यहां पे 1/F इज इक्वल टू 25 माइनस, कुछ खास तो नहीं कर दिया भाई लल्लू लाल, तो -100 -25 +100 हो गया, इनका एसएम कितना होगा, मैं कहता हूं हमेशा बार बार आपसे मैथ में स्टूडेंट कभी भी एलसीएम उससे मत लिया करो, वैसे डायरेक्ट रख दिया करो मल्टीप्लाई कराते, तो 100 खत्म होगा 25 आएगा, यहां पे -25 और प्लस कितना 100, तो कितना आ गया 75/25 × 100, 25 × 100, तो यहां से एफ इक्वल टू जो आपका आ गया वो कितना आ गया 100/3, उलट दिया, अब पावर ऑफ लेंस पिक कर टू क्या होता है 100/F, F कितना है 100/3, खत्म, 3 कहां गया ऊपर गया, थाले को समझ में आया होगा 3.0 डायरेक्टर, क्लियर, ये है लेंस का पावर, ये क्या है लेंस का पावर, ठीक है, ओके, सो नोट डाउन इट, लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट सुन लीजिए, वैसे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा, कह रहा है वाई एन इज द नॉर्मल आई, वाई इज द नॉर्मल आई
नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से पहले रख दोगे, सॉरी फिर से, व्हाई इज द नॉर्मल आई कैन नॉट आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं 25 सेंटीमीटर से कम पे रख देता हूं तो जो आई लेंस होता है, जो हमारा ह्यूमन आई होता है, वो उसको देखने के एबल क्यों नहीं हो पाता। अच्छा क्वेश्चन तो है भाई कि अगर सही बात है, अगर 25 सेंटीमीटर से मैं कम पे ही रख दूं तो नॉर्मली नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आई लेंस की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि जो आई लेंस है वो अपने फोकल लेंथ को 25 सेंटीमीटर से कम कर ले, दैट इज नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल ही नहीं है यार। आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर से बिलो नहीं हो सकता है। ओके, तो समझ में आई बात ना? बात क्या है, ह्यूमन आई कैन नॉट डिक्रीज द फोकल लेंथ बिलो द 25 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंस टू इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। तो भाई जो एक नॉर्मल आई जो होता है उसके लिए क्या होगा, इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इमेज का डिस्टेंस बदल ही नहीं सकता। आप इनको आप कहीं पर भी रखो, व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, द ऑब्जेक्ट इज, आप इनको आप कहीं पर भी रखो, इमेज डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिकॉज आई लेंस जो होता है ये अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, आई लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इमेज डिस्टेंस रिमेन्स व्हाट, कॉन्स्टेंट। ओके, व्हाट इवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां पे रखे हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन इमेज डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड सॉम में आया। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, जितने भी पॉइंट क्वेश्चन है इन सबको थ्योरी में बताया जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से आपको इन सबके कॉन्सेप्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि प्रिज्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सबको बहुत ध्यान से देखना उस लेक्चर को, बहुत अच्छा सा लेक्चर होगा। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से लाइट कैसे, कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम में कैसे बदल जाता है, जिसको बोलते हैं कलर डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, और किस रंग का, किस कलर का बेंडिंग ज्यादा होता है, कौन सा कलर ज्यादा बेंड होता है, किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो इस सब के बारे में बच्चों मैंने डीपली नॉलेज दूंगा आप लोगों को। सो प्लीज क्या करेगा, उस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अदरवाइज क्लास में भी आपको पूछना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं 100% गारंटी लेता हूं, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे लास्ट तक, हर वीडियो को देखते रहिए, तो आपको क्लास में जाकर के कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ओके जन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक लेकर के, प्रिज्म एंड कलर डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। ओके, थैंक यू।